ओलंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को यूपी की योगी सरकार ने समारोह में सम्मानित किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इन खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस मौके पर जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कहा कि युवाओं से कहना चाहता हूं कि खुद पर भरोसा करें और जमकर मेहनत करें। पुरस्कार हमेशा प्रोत्साहित करता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। यूपी ने सभी का सम्मान करके एक मिसाल कायम किया है। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। भारत के सुपुत्र, पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में ओलंपिक का जिन्होंने जितवाया, नीरज चोपड़ा। सबसे पहले उन सभी को नमस्ते और मैं थैंक यू कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। सच बताऊं तो भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फंस गया हूँ, इतना तो नर्वस मैं ओलंपिक स्टेडियम में नहीं हुआ था। देखिए बोलने का इतना पता नहीं है, पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये आज इतना बड़ा स्टेज लगाया है और आप सभी को बुलाया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ऐसा लग नहीं रहा है कि इस प्रदेश में आया, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे इंडिया का एक फंक्शन है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहूंगा कि ये इतना जोश मुझे आगे दिख रहा है, इन्हीं में हमारे ओलंपियंस, इन्हीं में अगले मेडलिस्ट बैठे हैं, तो मैं बस आप सभी से ही कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए और आप देश का भविष्य हैं और मैं आप सभी का जोश देखना चाहता हूं। भारत माता की। थैंक यू। मुक्केबाज लवलीना ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास था कि गोल्ड मेडल जीतें पर इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। उन्होंने अन्य खिलाड़ियों के लिए कहा कि खुद पर भरोसा हो तो कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। सभी को इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो गेम था उसमें मैंने गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहा था कि मैं मतलब गोल्ड ला सकूं। मुझे बोलना नहीं आता है इतना। मैं सोचती हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हम कुछ भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बस खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है इससे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि जो पेरिस ओलंपिक में यूपी से भी बहुत ज़्यादा मेडल आएंगे और पीवी सिंधु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह हम खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करती हूं। इस आयोजन से बाकी खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity and honoring me. It's such a great honor. And I just want to say one thing. Pehle bhi main 2016 silver medal aane ke baad CM sir ne mujhe idhar bula ke bahut encourage kiya, motivate kiya tha. Phir abhi 2021 obviously Tokyo mein medal aane ke baad phir se bulaya. Thank you so much, sir, for such a ग्रेट एंकरेजमेंट, क्योंकि ये एंकरेजमेंट डेफिनेटली बहुत एक मोटिवेशन और आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेशन है सर। और आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हियर, अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स हियर, आई एम श्योर सीएम सर इज वेरी एंकरेजिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। आई विल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव नेवर सीन, सो
so many people sitting here and, you know, supporting us. I'm sure one fine day you will also be sitting here in front of, on the dais, and I'm sure a lot of people will be inspired by you. Once again, thank you so much for भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि मजबूत टीमों को हराने के बाद टीम का हौसला बुलंद था, लेकिन सेमीफाइनल मैच हारने के बाद टीम थोड़ा निराश थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आते ही ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल गया। उन्होंने कहा कि आप दिल लगाकर खेलें, आप देश के हीरो हैं। और जैसे रानी ने बोला, ऐसा फंक्शन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में पहले कभी हुआ होगा, क्योंकि इतना प्यार और इतना सम्मान हमें देखने के लिए मिल रहा है यार। और जो आपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्टेप दिया है, हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आप ऐसे ही स्पोर्ट्स को प्रमोट करिए, मुझे लगता है ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा कि वो और स्पोर्ट के लिए चुने और आगे बढ़े और एक दिन यहाँ पे बैठ के आपसे प्राइज मनी ले। मैं वंस अगेन सभी का यही कहूंगा, थैंक यू सो मच। और ओलंपिक का जैसे इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे हमारा, क्योंकि हमारा जब ओलंपिक जाने से पहले एक टारगेट था कि हमें पॉडियम पे फिनिश करना है, और वहाँ पे काफी अपसेट डाउन भी आए, हम लोगों ने एक मैच लूज भी किया, उसके बाद भी जो माइंडसेट था सभी का यही था कि हमें मेडल जीतना है। और एक बार जब हम लोग सेमीफाइनल लूज किया, उसके बाद टीम में काफी सभी डिसअपॉइंटेड थे, बट जब प्रधानमंत्री साहब का हमें कॉल आया और उन्होंने जब पूरी टीम को बोला कि आप निराश मत होइए, आप अपना पॉजिटिव रहिए और आगे आने वाले मैच के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, और उससे क्या हुआ, पूरी टीम एक मोटिवेशन आया कि हाँ कि हमें अभी भी मेडल जीत सकते हैं, हमारा पूरा देश, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं, हमें मेडल जीत के वापस जाना है। और वही पूरी टीम ने किया। और मैं जाने से पहले एक बार फिर ऑनेबल चीफ मिनिस्टर साहब का थैंक यू कहना चाहूँगा। सर, थैंक यू सो मच।